नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट होता है गर्ल चाइल्ड के लिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। इस स्कीम में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कितनी साल की एज तक अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे और कब उसकी मैच्योरिटी होगी, कितने साल तक आपको भरना है, सारा कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसी वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप 1,000 रुपये भरेंगे तो आपको 9 लाख रुपये मिलेंगे 21 साल के बाद में, तो ऐसी कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी उसमें उनका सारा डाटा ऐसा आपको फेक है, क्योंकि दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर अभी कुछ रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिलेगा और 10-15 साल के बाद में कुछ और रेट ऑफ़ इंटरेस्ट रहेगा, तो ऐसे अकाउंट्स की कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकता। रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करके बताती है, तो आज से 10-15 साल के बाद की कैलकुलेशन करके बताना ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ऐसी वीडियोज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दें, बस ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते रहें, सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो ओपन करने के लिए गर्ल चाइल्ड के नाम पे ये अकाउंट आपका ओपन होता है, जिसकी एज दोस्तों 10 साल से कम होती है वो ये अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये जो अकाउंट ओपन होता है ये सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड का एक ही अकाउंट ओपन होगा आपका, चाहे वो आप अकाउंट बैंक में ओपन करें या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन करें, आपको इंटरेस्ट रेट वो दोनों जगह पे सेम ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। गर्ल चाइल्ड के लिए जो सुकन्या समृद्धि का अकाउंट ओपन होगा ये बाय नेचुरल गार्डियन और लीगल गार्डियन जो होंगे उनके थ्रू ही अकाउंट ओपन होगा। नेचुरल गार्डियन जो उसके माता पिता होते हैं, और अगर माता पिता नहीं है तो कोर्ट से जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेके जो भी उसके लीगल गार्डियन बनते हैं उनके द्वारा ही अकाउंट ओपन होता है, बाकी उसके दादा दादी नाना नानी है कोई भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो अकाउंट है एक फैमिली में 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही मैक्सिमम ओपन करा सकते हैं। अगर आपके पास 2 गर्ल चाइल्ड हैं तो उनके सिर्फ आप एक का एक दूसरे का दूसरा, ऐसा 2 अकाउंट ही ओपन करा सकते हैं मैक्सिमम। कुछ एक ऐसे प्रोविज़न है दोस्तों जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, वो केस ऐसे हैं जैसे फर्स्ट आपका ट्विन्स होंगे तो उसमें अगर 2 लड़कियां हैं और उसके बाद सेकंड जो बर्थ होगा उसमें 1 लड़की होती है, तो ऐसे केस में उसके 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो सकते हैं। या फिर ट्रिपलेट्स होते हैं तो उस केस में भी वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं 2 से ज़्यादा। या फिर फर्स्ट बर्थ में 1 गर्ल चाइल्ड है और जो सेकंड बर्थ होगा उसमें ट्विन्स होते हैं या फिर ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उस केस में भी आपके 2 से ज़्यादा अकाउंट दोस्तों ओपन हो सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल एक फैमिली में 2 गर्ल चाइल्ड होंगी तो उसके मैक्सिमम 2 अकाउंट सुकन्या समृद्धि के ही ओपन करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और उसके साथ में जो गार्डियन होगा उसके गार्डियन के डॉक्यूमेंट्स, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका आईडी प्रूफ और साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वो सब सबमिट कराने पड़ेंगे उसको। बाद में जब ये सारा डॉक्यूमेंट्स, जब तक लड़के की 18 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। उसके बाद में जब लड़की की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो जाती है तो उसको लड़के के नाम से अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑपरेटेड बाय सेल्फ में। उस केस में लड़की के जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसका आईडी प्रूफ और उसका एड्रेस प्रूफ और साथ में केवाईसी वो जमा कराना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक गर्ल चाइल्ड की एज 18 इयर्स नहीं हो जाती तब तक अकाउंट को उसके गार्डियन ही ऑपरेट करेंगे। अकाउंट की जो स्कीम रहेगी वो रहेगी अकाउंट माइनर अकाउंट ऑपरेटेड बाय गार्डियन, लेकिन जब लड़की की एज 18 इयर्स हो जाती है उसके बाद लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद में वो उस अकाउंट को ऑपरेटेड बाय सेल्फ कर दिया जाता है, लड़की ही उस अकाउंट को ऑपरेट करती है दोस्तों। दोस्तों, इस अकाउंट्स में डिपॉजिट की बात करें तो सबसे पहले जब आप अकाउंट को ओपन कराएंगे तो मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़ का है मिनिमम डिपॉजिट, यानी कि 250 रुपीज़ आप उसमें जमा करा के अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। उसके बाद में जो आप सब्सिक्वेंट डिपॉजिट उसमें जमा करेंगे वो पर फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 250 रुपीज़ और मैक्सिमम 1,50,000 इतना आप उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। और डिपॉजिट कराने की उसकी कोई लिमिट नहीं है ट्रांजेक्शन्स की, आपके पास जब भी पैसा हो आप उसमें तब भी
जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार जमा करना है या दो बार जमा करना है, आप मंथली भी आके जमा करा सकते हैं या फिर डेली चाहे तो डेली भी आके आपके पास पैसा है तो वो उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। और दोस्तों आपको डिपॉजिट जो उसमें करना है अकाउंट ओपनिंग डेट से लेके कंप्लीट 15 इयर्स तक आपको उसमें पेमेंट करनी है। जैसे कि आपका अकाउंट 2015 में ओपन हुआ है तो अगले 15 साल तक आपको पेमेंट करनी है 2030 तक, और उससे अगले 6 साल आपको पेमेंट नहीं करनी, और बाद में टोटल जब 21 इयर्स हो जाएंगे अकाउंट को तब जाके उस अकाउंट की जो है मैच्योरिटी होती है। और वो मैच्योरिटी जो है वो गर्ल चाइल्ड ही उसको अकाउंट को मैच्योर करेगी, वो गर्ल चाइल्ड को ही उसका पैसा मिलता है। तो आइए दोस्तों अकाउंट से विड्रॉवल की बात कर लेते हैं। बीच में आपको पैसा अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस टाइम पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब लड़की की एज 18 साल या फिर लड़की जो है 10th पास कर लेगी, उसमें से जो भी पहले होगा, पहले एज 18 साल हो जाती है या फिर पहले 10th स्टैंडर्ड को वो पास कर जाती है, तो उस केस में आप उस अकाउंट से 50% का विड्रॉवल ले सकते हैं। और वो 50% जो है जिस टाइम पे आप विड्रॉल लेने के लिए आएंगे उससे जो प्रीवियस का फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस का आपको 50% मिल जाएगा। और वो जो 50% अमाउंट है वो आप एकमुश्त राशि भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो 5 उसको विड्रॉल्स में ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगी। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में आप वो पैसा लेंगे तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही विड्रॉल मिलेगा, जैसे इसका मतलब आपको 5 फाइनेंशियल ईयर्स में आके ये विड्रॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों विड्रॉल को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कोई अकाउंट ओपन हुआ है 12/5/2014 को, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो लड़की की 12/4/2010 है, तो विड्रॉल जो है वो अप्लाई करेंगे लड़की की जब एज 18 साल हो जाएगी तो 2010 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 18 साल जोड़ेंगे तो 2028 होगा। तो 25/5/2028 को वो अगर विड्रॉल लेने के लिए आते हैं तो उस टाइम पे उसका जो है विड्रॉल वो एलिजिबल हो जाता है। तो 25/5/2028 को जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 28/29 आपका चल रहा होगा, तो उसे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका 27/28 होगा। तो जो 27/28 फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में जो बैलेंस है यानी कि 31/3/2028 को जो बैलेंस है उसका 50% विड्रॉल उसका अलाउड होगा। तो 31/3/2028 को मान लीजिए 5,50,000 उसमें बैलेंस है तो विड्रॉल उसको मैक्सिमम 2,75,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो वो 2,75,000 रुपीज़ वो एक बार में भी ले सकता है, नहीं तो चाहे तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, उसको हर फाइनेंशियल ईयर में एक इंस्टॉलमेंट उसको मिल जाएगी। इसके साथ में दोस्तों एक और कंडीशन दी गई है, जब उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा तो हायर एजुकेशन में जो एडमिशन या फीस स्लिप होगी उस पर अगर दोस्तों वो 2,75,000 से कम उसने फीस स्लिप बना के दे दी, मान लीजिए 2,00,000 रुपीज़ उसको ज़रूरत है, तो जो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट होगी विड्रॉल की वो 2,00,000 रुपये मिलेगी, ना कि 2,75,000 उसमें मिलेगी। तो ये एक कंडीशन है दोस्तों इसमें विड्रॉवल के लिए। तो आइए दोस्तों मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं, अकाउंट कब मैच्योर होता है। तो डेट ऑफ ओपनिंग के लेके 21 इयर्स के बाद में अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जो पेमेंट होगी वो गर्ल चाइल्ड को ही पेमेंट होगी। मैच्योरिटी 21 इयर्स से पहले अगर मैच्योरिटी करवानी है तो उसमें एक और कंडीशन दी गई है दोस्तों, जब लड़की की अपनी मर्जी से शादी होती है 18 साल की एज के बाद में तो उस केस में भी वो अगर चाहे तो 21 ईयर से पहले उस अकाउंट को मैच्योर करवा सकती है। तो दोस्तों उस केस में उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे जो नोटरी अटेस्टेड करेगा, साथ में अपने एज प्रूफ देने पड़ेंगे और वो उसको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये उसकी शादी से एक महीना पहले तक और शादी के 3 महीने बाद तक ही उस अकाउंट को मैच्योर करा सकते हैं। अगर उस टाइम पीरियड के बाद में अगर मैच्योर कराने के लिए आएंगे शादी के 3 महीने बाद तक तो फिर उसके बाद वो अकाउंट मैच्योर नहीं होगा, फिर वो मैच्योर 21 ईयर्स के बाद में ही होगा दोस्तों। तो ये एक और कंडीशन है जिसमें अगर मैच्योरिटी चाहे तो पहले करा सकते थे। तो आइए दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में भी देख सकते हैं कि बीच में प्री मैच्योर क्लोजर कैसे होता है। तो पहला कंडीशन है कि डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर यानी कि अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं डेथ क्लेम कंसीडर करके।
तो उसके लिए आपको जो है अकाउंट क्लोजर फॉर्म SB7B और डेथ सर्टिफिकेट उसको जमा कराना होगा। तो बाद में जो पेमेंट है वो गार्डियन को या फिर उसने जो नॉमिनी कर रखा होगा अकाउंट में उसको जो है वो पेमेंट हो जाएगी। और इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है प्री मैच्योर क्लोजर में जो डेथ क्लेम होगा कैसे पेमेंट होगी, तो अकाउंट ओपनिंग से लेके डेट ऑफ डेथ तक उसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ डेथ से लेके क्लोजर तक जो भी क्लोज करने के लिए आएगा तो लास्ट क्लोजर डेट से और डेट ऑफ डेथ तक उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, POSB अकाउंट का इंटरेस्ट उसको वो पेड किया जाएगा। कुछ और कंडीशन है दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर के केस में, वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे कंपेसनेट ग्राउंड्स हैं जैसे कि मेडिकल सपोर्ट हो गया जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती हैं अकाउंट होल्डर को, या फिर गार्डियन जो होता है उसकी अगर डेथ हो जाती है और उसके बाद उस अकाउंट को कंटिन्यू करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केस में भी अकाउंट को जो है प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। तो ऐसा क्लोजर करवाने के लिए दोस्तों उसको जो क्लोजर रीज़न है वो राइटिंग में देना पड़ेगा और साथ में प्री मैच्योर क्लोजर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट कराने पड़ेंगे और उसके बाद में उसका प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो सैंक्शन के लिए जाएगा। तो उसका सैंक्शन दोस्तों अगर आपका SO या फिर BO है तो आपका हेड ऑफ डिविजन जो है SSPOs वो उसका सैंक्शन करेंगे, उसके बाद में वो अकाउंट क्लोज होगा। लेकिन अगर अकाउंट आपका गेजेटेड HO या फिर GPO में है, तो गेजेटेड HO में है तो सीनियर पोस्ट मास्टर करेगा उसका सैंक्शन या फिर चीफ पोस्ट मास्टर, लेकिन अगर GPO में अकाउंट है तो फिर डायरेक्टर उसका सैंक्शन करेगा। तो ऐसे केस में जो है SPM या वो APM वगैरह वो उसका अकाउंट का क्लोजर सैंक्शन नहीं कर सकते। और ये जो क्लोजर होगा दोस्तों ऐसा प्री मैच्योर क्लोजर जो कंपेसनेट ग्राउंड्स में होगा या फिर डेथ ऑफ गार्जियन पे होगा, ये अकाउंट ओपनिंग से 5 साल के बाद ही करा सकते हैं। तो डेट ऑफ ओपनिंग से 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा क्लोजर होगा, उससे पहले ऐसा क्लोजर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आइए दोस्तों SSC अकाउंट का DD क्लेम जो होता है डेथ क्लेम क्लोजर वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया डेथ क्लोजर में जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो डेट ऑफ डेथ से लेके और अकाउंट ओपनिंग तक उसको सुकन्या समृद्धि का अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, और लेकिन डेट ऑफ डेथ के बाद में और क्लोजर की डेट तक जब भी क्लोजर होता है उसके बीच में उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट्स दोस्तों उसको करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मेन्यू आपका HINTTM मेन्यू है, उस मेन्यू में दोस्तों आपको इंटरेस्ट की उसकी कंप्लीट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट रेट की मॉडिफिकेशन उस अकाउंट में की जाएंगी। तो HINTTM का प्रोसीजर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। HINTTM आपको सबसे पहले काउंटर PA के फिनेकल यूज़र ID में आपको HINTTM मेन्यू टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन में आपको मॉडिफाई सेलेक्ट करना है और एंटिटी टाइप में वो अकाउंट्स सेलेक्ट करने हैं, और एंटिटी ID आएगी उसमें आपको SSA का अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। इंटरेस्ट टेबल कोड दोस्तों वहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे आपको जो उस पे इंटरेस्ट टेबल कोड होगा वो निकाल के SSA का इंटरेस्ट कोड वहाँ पे दिखाएगा, तो उसको निकाल के वहाँ पे SBINT आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको स्टार्ट डेट दिखेगी, वो स्टार्ट डेट में आपको जो गर्ल चाइल्ड का डेट ऑफ डेथ है उससे अगला दिन आपको वहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद में उसको सबमिट कर देना है। और ऐसा ही उसको सुपरवाइज़र की ID में HINTTM मेन्यू में ही उसको वेरीफाई करवा देना है। बाद में अकाउंट की मॉडिफिकेशन करने के बाद में आपको जो मेन्यू रहेगा क्लोजर का HCAAC ये मेन्यू रहेगा, उसमें क्लोजर करते टाइम में आपको क्लोजर की स्क्रीन दिखेगी, क्लोजर टैब जो आएगा उसमें आपको अप्लाई इंटरेस्ट टिल डेट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको यस पे क्लिक कर देना है और जैसे सेविंग्स का क्लोजर करते हैं वैसे आपको क्लोजर कर देना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में, डेट ऑफ ओपनिंग से लेके क्लोजर तक की टोटल हमने जानकारी देने की कोशिश करी है आपको। और साथ ही जैसा दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, ऐसे अकाउंट्स में जो आपको बताते हैं कि आप इतना पैसा इसमें पेमेंट करिए आपको 20 साल के बाद 21 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी आपको ये बता नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट गाइडलाइंस देती है, तो इससे बचें दोस्तों। चलिए तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।